गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप तुसी सारे घर ठीक हो, कैंट हो, कैम हो, है ना। मैं जिहड़ा कल ब्लॉग च बोलिया सीगा कि मैनू ट्रैकिंग ते जाना है, ट्रिप्स बनाने हैं, आई थिंक हुण मेरी बॉडी इन्नी कैंट हो चुकी है कि मेरा स्टैमिना इन्ना ज़्यादा वध चुका है कि मैं ट्रिप ते जा सकदा। ते मैं प्लान बना रहा हमता पास जाण दा, जो कि सितंबर 2nd वीक च जाऊँगा, 4 nights 5 days। तो उहदे लई ट्रांसफॉर्मेशन तकड़ी चल रही है। अज सानू 116 दिन हो गए हैं, तो आ रही मेरी ट्रांसफॉर्मेशन दी क्लिप्स। मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है, 6 अंडे। जीतू भाई जी, थानू पंजाबी आती बोलनी? नहीं, पंजाबी नहीं आता। कुछ तो बोल के दस दो। कुछ तो आंदा होना। आंदा होना कहते, आंदा होना का तो पता नहीं, आंडा जरूर होना है इतने। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद भाई रूम ऐसा बनाऊंगा ना, पूरा 1.5 घंटा लगा, बट 2 हफ्ते का काम हो गया है ब्रो, लेट्स गो। बस बेडशीट चेंज करनी है, जीतू भाई करेंगे, बाकी सब सॉर्टेड। अभी वहाँ पे बस फ्रेम से आके क्या लगाना है वो सोचना है। थक गया हूँ मैं, पता, इतना फालतू का सामान पड़ा था सारा, मैंने बेड में घुसा दिया, बेड पूरा खाली पड़ा था मेरा। अभी आई विल गो टू जिम, लेग्स लगानी आज तगड़ी। अपने ऑपरेशन के कारण मैं फ्री मशीन स्क्वाट्स लगाना बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत पेट पे खींचन पड़ती थी, स्ट्रेच होता था, सो मैं स्मिथ मशीन ही ज़्यादातर यूज़ करता था। बट आज से मैंने सोच लिया कि नहीं, करेंगे स्टार्ट, कम वेट से करेंगे, बट करेंगे क्योंकि लेग्स और स्ट्रॉन्ग बनानी है, तभी ऊपर वाले मसल्स भी और स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, एज यू गाइस कैन सी, 40 kg के साथ आराम से 8 लगाए, ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं किया। फिर उसके बाद 50 kg डाला, फिर उसके बाद 60 kg डाला, एंड लास्ट पे 70 kg के मेरे सिर्फ 4 रेप लगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ईगो लिफ्टिंग ना करो कि जिम देख रहा है, कोई और देख रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम देखो पहले कि आपको कोई इशू है, आपको कोई मेजर इशू है जिसकी वजह से आप कुछ एक्सरसाइजेस नहीं परफॉर्म कर सकते, राइट? अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है या कुछ भी है, तो उसकी वजह से भी हम अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं खा सकते, राइट? तो वैसे जिम में हमको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना होता है। स्क्वाट्स के बाद मैंने लगाया बल्गेरियन लंजेस, यहाँ पे तो मैंने 5 kg ज़्यादा एक्स्ट्रा उठाया था। लास्ट में मैंने 20 kg के लगाए थे, 10 reps, इसमें मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने लेग प्रेसिस लगाए थे 180 kg की, एंड उसके बाद लेग एक्सटेंशन, एंड लास्ट में क्या मारा था, काफ रेजेस। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, फ़ोन लेके गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी। सो इससे मैं बस यही बताना चाह रहा था कि कल से मैं 1 हफ्ते में 5 बार जिम जाऊंगा एंड अपने आप को पूरा पुश करूंगा। दिन में मैं 10 घंटे सोऊंगा, क्योंकि मैं 2-2 बार वर्कआउट करता हूँ दिन में, नहीं मतलब रात को मैं जल्दी सो जाया करूंगा, सो डैट मैं अपनी 10 घंटे की नींद कंप्लीट कर पाऊँ। एंड डाइट पे भी मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ, इतने ज़्यादा दिन हो गए, सो अभी लेवल अप करने का टाइम हो गया, विद टाइम लेवल अप करते रहो, एंड आपको अभी क्रेजी वाले चेंजेस महीनों में दिखने लग जाएंगे, सो वेट फॉर इट। सो अभी आई विल हैव माई प्रोटीन, उसके बाद आई विल हैव माई लंच, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, एडिट करेंगे, एंड फिर चलेंगे कैलिस्थेनिक्स। आज वहाँ पे लगाना हमने कोर, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कोर के लिए। घर पे वापस आया एंड ऐसा रूम देख के इतनी खुशी से मिली ना, इतनी प्यारी सी वाइब मिली कि वाओ। एक तो दूसरे थॉट्स भी आते हैं कि सब कुछ खुद कमाया, सब कुछ A to Z, एक एक चीज़, एंड उसको इतने प्यार से रखने पे और खुशी मिलती है यार। वाओ, एंड काम करने का भी ना रोज़ बहुत मन करता है कि हाँ आराम से बैठो, ये लाइट ऑन करता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, आराम से पढ़ता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, अपना एडिट वगैरह करता हूँ, एंड यहाँ पे अपना शूट करना स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे भी एक फ्रेम वगैरह लगा के, लेट्स सी विद टाइम, ये भी आपको पता लगता रहेगा। Thank you.
एंड देयर आर मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कि आप चिकन कैसे बनाते हो, कैसे मैरिनेट करते हो, तो वो सारा प्रोसेस आज मैरिनेटेड ही था, वो मैं कल बताऊंगा। कल फिर से चिकन मंगाना है, तो जीतू भाई जैसे जैसे मैरिनेट करेंगे मैं दिखाऊंगा कैसे चिकन आप बना सकते हो घर पे, कैसे मैरिनेट कर सकते हो। एंड वेजिस मैं थोड़ा रोस्ट करके खाता हूँ, दैट्स इट। 200 ग्राम चिकन एंड 50 ग्राम से कम ही आज वेजिस। एडिट अपलोड सब कुछ हो गया, नाउ आई एम गोइंग टू माई कैली क्लासेस। आज कोर ट्रेन करना है। एंड एक और चीज़, मैं वहाँ पे व्लॉग इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ग्रुप में क्लास होती है, एंड अगर मैं व्लॉग करूँ तो सभी लोग इकट्ठे मतलब व्लॉग में आएंगे, एंड कई लोग नहीं कंफर्टेबल होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता टू व्लॉग ऐसे। जिम में मैं इसलिए व्लॉग कर लेता हूँ क्योंकि कैमरा होता है एंड पीछे लोग ज़्यादातर ब्लर हो जाते हैं, सो वहाँ पर फिर भी चलो चलता है। बट कैली की क्लास में देर इज़ नो कंटेंट क्रिएटर, जिम में तो काफ़ी लोग कैमरा लेके घूम रहे होते हैं, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं तो मैं वहाँ की एक्सरसाइज जरूर दिखाऊंगा, बट विद टाइम मैं खुद चीज़ें सीख के आपको शॉर्टकट में चीज़ें सिखा दूंगा। जब मैं एक प्रॉपर कोर स्ट्रॉन्ग कर लूँगा और चीज़ें सीख लूँगा, तो विद टाइम आपको भी वो चीज़ें स्टेप बाई सिखाता रहूँगा, सो डैट्स वाई मैं वहाँ पर व्लॉग नहीं करता हूँ। तो आज हमारा कोर डे, तो ऐसे हमें ये 8 एक्सरसाइजेस बैक टू बैक लगानी होती है 15 सेकंड रेस्ट लेके, और इसके 2 या 3 राउंड करने होते हैं जो 40 मिनट्स में होते हैं, तो एंड तक बंदा थोड़ा बचता नहीं है बट मज़े आते हैं। एंड कोर भी मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये ब्लैक है पता नहीं लग रहा बट पूरी गीली है, चड्डे तक गीले हो गए हैं ब्रो। घर तो मैं आ गया हूँ, कोई सीन नहीं है, बट रास्ते में जो पेट को ऐसे पकड़ के आ रहा था ना ब्रो, प्रोटीन लेके आना भूल गया, भूख लगी हुई है। अभी मैं खाना ही खाऊंगा, खाना खाने से पहले नहाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर आई विल हैव माय प्रोटीन, फिर मैग्नीशियम खा के गुड नाइट, ठीक है। पूरा कोर फाड़ दिया सर ने, मज़ा आया, मज़ा आया। खाना भी आ गया, रोनाल्डो पाजी यूट्यूब पे भी आ गए, वेट फोकस हो लें दो। तो खाने के नाल ना ब्रोनी भी मेरे रूम से आ गया, क्यों ब्रोनी खा लिया ना आपने खाना, अब ज़्यादा नहीं देखने का इधर, ठीक है। और व्लॉग ख़त्म करने का टाइम भी आ गया, बाकी आपका टाइम भी आ गया लाइक करने का व्लॉग को, है ना, कमेंट भी कर दो, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी मिलते हैं कल के व्लॉग में, कल सिखाएंगे चिकन की रेसिपी और भी काफ़ी कुछ दिखाएंगे, बाकी गुड नाइट। ओ दिल दानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला, ये पर्पल कलर की लेटस नहीं, किसकी बहन थी ये, फूल गोभी की, बहुत क्रेजी है ब्रो। कि मेरे यहाँ फिर शूट है, हाँ मैंने मैंने पहला कल 2:30 बजे तक कॉल टाइम दिया था, सी उसके बाद 12:30 दे दिया।